इन तस्वीरों को देखकर ना कुछ कहने की जरूरत है और ना कुछ बताने की। बाढ़ की वजह से बिहार का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। लाखों जिंदगियां सूखी जमीन के लिए तरस रही हैं। लेकिन जिन लोगों को इन्होंने ऐसे ही किसी वक्त में काम आने के लिए चुना था, वो सरकार बनाने या सरकार बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। बाढ़ के प्रति बिहार सरकार के ढीले रवैये पर लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूटा। ट्विटर के जरिए बाढ़ पीड़ित लोगों ने अपना दर्द और गुस्सा कुछ इस तरह बयां किया। रेहान खान ने सवाल किया, बिहार यूपी चुनाव में सैकड़ों हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पार्टियां आज बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव भी मुहैया नहीं करा पा रही हैं। किशन पुत्रा ने ट्विटर पर लिखा, ग्राउंड लेवल पर कुछ हेल्प करो, अभी इलेक्शन होते तो वोट मांगने पानी में भी वोट मांगने घर आ जाते। ट्विटर पर राज सोनी अंग्रेजी में लिखते हैं, ये हर साल होता है और पीड़ितों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं। दिलदारुल करीम ने नीतीश कुमार से सवाल किया, नीतीश जी क्या आपके पास इस मुद्दे पर ध्यान देने का वक्त है? सीमांचल इतनी मुश्किलों का सामना कर रहा है, एनजीओ काम कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं। आदित्य झा लिखते हैं कि बाढ़ की स्थिति उससे कई ज्यादा गंभीर है, जितनी मुख्य धारा की मीडिया द्वारा बताई जा रही है। दिनेश भगत ने नीतीश कुमार को सलाह देते हुए ट्वीट किया, कोसी नदी बिहार का शोक है और इसमें हर साल बाढ़ आती है, भले ही ज्यादा बारिश ना हो, इसका कुछ हल निकाला जाना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार पिछले कई दिनों से बाढ़ से जूझ रहा है, लेकिन वहां की सरकार और प्रशासन बाढ़ के प्रति उदासीन नजर आ रहा है। अब जनता करे भी तो क्या करे, ट्विटर पर सवाल पूछ रही है, अपना दर्द बता रही है। अब नेताओं का दिल इससे पिघलेगा या नहीं, कुछ भी कहना मुश्किल है।